हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ इस बार के जेई टॉपर भोगी सुराज कृष्णा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनके इंटरव्यू के साथ। दोस्तों, इस इंटरव्यू में आप जानेंगे कि इस बार के टॉपर किस तरह से पढ़ाई करते थे, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया, उन्होंने कौन से कोचिंग से पढ़ा और उन्होंने क्या किया जो वो टॉप किए। ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं उनके इंटरव्यू से। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े एजुकेशनल वेबसाइट के इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें बताई जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनसे पहला प्रश्न किया गया, जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पहला प्रश्न किया कि जेई मेन 2018 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई, अपनी रैंक जानने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो भोगी सूरज कृष्णा ने अपना आंसर इस तरह से दिया कि एक बार मुझे जेई मुख्य 2018 के नतीजे जानने के बाद मैं बहुत खुश और उत्साहित था। मैंने पहली रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। द फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन, मतलब वो बहुत ही खुश हुए। इंटरव्यूअर ने दूसरा प्रश्न किया उनसे कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं, आपने किस बोर्ड के तहत अध्ययन किया है, आपने किस स्कूल में अध्ययन किया है। तो उनका आंसर था, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैंने आंध्र बोर्ड से अपनी योग्यता परीक्षा का अध्ययन किया था। इंटरमीडिएट के लिए मेरी स्कूली शिक्षा श्री चैतन्य से थी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर ने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जेई मुख्य परीक्षा में आपका स्कोर क्या है, आपका ऑल इंडिया रैंक और आपके कैटेगरी रैंक क्या है। तो भोगी सूरज कृष्णा का आंसर था, मैंने जेई मुख्य 2018 में 360 में से 350 यानी 360 में से 350 मार्क्स उन्हें मिले और उनका ऑल इंडिया रैंक 1 है और कैटेगरी यानी कि श्रेणी रैंक भी उनका 1 है। इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन पूछा, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जेई मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जेई परीक्षा में शामिल हुए थे और आपकी पसंद के पीछे क्या कारण है। तो उनका आंसर था कि मैंने परीक्षा ऑफलाइन मोड में दिया है, मैं परीक्षा के ऑनलाइन तरीके में बहुत सहज नहीं हूँ, इसलिए मेरी पसंद ऑफलाइन मोड है। किसी को यह चुनना चाहिए कि किसके तहत वह सहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा बहुत मायने रखते हैं। यानी भोगी सूरज कृष्णा का ये कहना था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर परीक्षार्थी ऑनलाइन में ज़्यादा सहज, बहुत ज़्यादा इजी महसूस करते हैं तो वो ऑनलाइन दे, या ऑफलाइन में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं तो वो ऑफलाइन दे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके करियर से जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू ने अगला क्वेश्चन किया कि आप इंजीनियरिंग का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का अध्ययन करने का फैसला कब किया, आप किस शाखा में रुचि रखते हैं यानी कि आप इंजीनियरिंग के कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं और क्या कारण है इसके। तो इनका आंसर था, मुझे हमेशा से इंजीनियरिंग में जिद दिलचस्पी है। मैं क्लास 9th में था जब मैंने करियर के रूप में इंजीनियरिंग लेने के लिए अपना मन बना लिया। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और इसके लिए प्राथमिक कारणों में से यह एक कारण है कि मुझे इस क्षेत्र में गहरा दिलचस्पी है। यानी हमारे टॉपर्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनकी दिलचस्पी, इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। इंटरव्यू ने अगला क्वेश्चन किया, आपने अपनी
जेई मुख्य परीक्षा की तैयारी कब शुरू की? जेई मेन के लिए अपनी तैयारी रणनीति और दैनिक दिनचर्या के बारे में कुछ बताएं। इनका आंसर था, मैंने कक्षा 9 से ही जेई मेन्स की तैयारी शुरू कर दी थी। जी हाँ, हमारे टॉपर्स जो हैं भोगी सूरज कृष्ण, इन्होंने कक्षा 9 से ही अपनी जेई की तैयारी शुरू कर दी थी। जेई की परीक्षा में सफलता के लिए जो सिलेबस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इनके नज़र में। जब मैं कक्षा 9 में था तब मैंने इसके लिए पंजीकरण किया था। जेई मुख्य 2018 की तैयारी के दौरान जब मुझे कठिन प्रश्न मिलता तो मैं फैकल्टी से पूछता और तब तक पूछता या पढ़ता जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाता। मैं हर दिन 9 घंटे के लिए अध्ययन करता था। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि उन्होंने सिलेबस जो था उसका उसको फॉलो किया। उन्होंने 9 से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और एक एक प्रश्न को जब वो पढ़ते थे, एक एक टॉपिक को वो पढ़ते थे, और जब भी उनको कुछ हार्ड क्वेश्चन या कुछ कंसेप्ट मिलते थे तो उन्हों वो अपने फैकल्टी से पूछते थे और तब तक पूछते थे या पढ़ते रहते थे जब तक कि उनका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाता। और वो पर डे 9 आवर्स यानी रोज वो 9 घंटे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया, क्या जेई मेन के आखिर महीने में तैयारी की क्या रणनीति थी? कोई अंतर था? कोई बोर्ड की परीक्षा भी इस अवधि के दौरान होती है, आपने दोनों की तैयारी कैसे की? तो उनका आंसर था, उन्होंने जो आंसर दिया वो आंसर था कि मैंने परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया क्योंकि भौतिक रसायन और विज्ञान गणित के लिए पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा और जेई मुख्य 2018 के लिए समान है। मेरा मुख्य ध्यान जेई मुख्य के साथ साथ जेई उन्नत पर भी था, जैसा कि मैंने तैयारी किया था। मुझे गंभीरता से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों परीक्षाओं में एकमात्र अंतर यह है कि एक के क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिव है और दूसरे का जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव है। तो यही अंतर है। अगला क्वेश्चन उनसे जब पूछा गया, क्या आपने जेई मेन के लिए कोचिंग ली और यदि हाँ तो कहाँ से? आपके अनुसार कोचिंग से क्या फ़ायदे हैं? कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं? इनका आंसर था, मैंने श्री चैतन्य में कोचिंग ली। कोचिंग लेने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे परीक्षा को निकालने के लिए सही रणनीति तैयार करने में आपकी सहायता करते हैं, यानी आपका ब्रेक करने में, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको वो एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं और उस स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ाते हैं जो कि आपके सक्सेस में एक बहुत यूजफुल होता है, बहुत लाभदायक होता है। इंटरव्यूअर का एक क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट और पिछले साल के क्वेश्चंस आपकी कितनी मदद करते हैं, कितना व्यापक रूप से अभ्यास करते थे? क्या आपको लगता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस में अभ्यास करना फायदेमंद है? इनका आंसर था, मैंने मैंने बड़े पैमाने पे अभ्यास किया है। जेई मेन के पिछले वर्षों के क्वेश्चन से अभ्यास करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूछे जाने वाले प्रश्न के स्तर और प्रकार को जानने में मदद करता है। यदि आप तैयारी के लिए पिछले साल के कागजात का उपयोग यानी पिछले साल के क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं, सभी तरीकों से परीक्षा के लिए तैयार हैं। आप तैयारी के अपने स्तर को टेस्ट कर सकते हैं, अपना समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप अपनी तैयारी के लिए सुधार और आगे बढ़ सकते हैं।
उन्होंने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। अगला क्वेश्चन था, क्या कोई विशेष किताबें हैं जिन्होंने अपनी जेई की तैयारी में मदद की? क्या जेई मेन और कक्षा 12 की तैयारी के लिए स्कूल पाठ्यक्रम पर्याप्त है? इनका आंसर था, जेई मुख्य 2018 की तैयारी करते समय मैंने मुख्य रूप से एनसीईआरटी किताबों और कोचिंग सेंटर द्वारा प्रदान किए गए नोट्स से अध्ययन किया। विज्ञान रसायन विज्ञान के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ किसी को एनसीईआरटी किताबों और फैकल्टी नोट्स से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक भौतिक और गणित का संबंध है, नियमित तैयारी के अलावा अध्ययन नोट्स और किताबों के अलावा कई प्रश्नों को हल करना महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू का क्वेश्चन था, क्या आपने जेई मुख्य परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या का सामना किया या आपको करना पड़ा? कौन सा विषय सबसे आसान था और जेई मेन में सबसे कठिन कौन सा था? जेई मुख्य परीक्षा के दौरान प्रबंधन करना मुश्किल बात है। जेई उनका आंसर था, भोगी सूर्य कृष्ण ने आंसर किया कि जेई मुख्य 2018 परीक्षा के दौरान मुझे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लगा कि रसायन शास्त्र में कुछ अस्पष्ट प्रश्न थे, गणित और भौतिक मुझे लगा कि बहुत लंबा था। समय प्रबंधन जेई मुख्य परीक्षा में सबसे चुनौतीपूर्ण कारक है। यदि आप इसे प्रबंधित यानी मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर ने पूछा, जेई मेन में आपकी शानदार सफलता के पीछे महत्वपूर्ण कारक क्या है? भोगी सूर्य कृष्ण ने कहा कि मैं श्री चैतन्य के फैकल्टीज को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि वे बहुत ही हेल्पिंग हैं और बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह मोटिवेशन उनका था जो उनको सफलता मिली। जब इंटरव्यूअर ने अगला क्वेश्चन किया कि आपके हॉबीज क्या हैं और आप उन्हें कितनी बार पीछा कर सकते हैं, यानी आपके हॉबीज क्या हैं और आप उसको कैसे करते हैं, उनका प्रश्न था। उसके आंसर में उन्होंने कहा कि मेरे शौक में फिल्में देखना शामिल है। हालांकि मेरी तैयारी की पूरी अवधि के दौरान मैंने इसे दिया क्योंकि मेरे लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण थे। यानी जो हमारे टॉपर हैं उनका हॉबीज़ है फिल्म देखना, लेकिन अपने प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने फिल्म नहीं देखी क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट लक्ष्य था इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। इंटरव्यू ने अगला क्वेश्चन किया, आप जानते हैं कि आप देश भर के हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा हैं। क्या आपके पास जेई मुख्य परीक्षा से निपटने के लिए भावी उम्मीदवारों के लिए कोई संदेश है? भोगी सूर्य कृष्ण का आंसर था कि जेई मेन के लिए अच्छा रखने वाले अगर जेई मेन के लिए इच्छा रखने वाले सभी छात्रों को मेरा संदेश है कि विषयों के साथ सहज रहें, सीखने का आनंद लें और तैयारी के समय का आनंद लें। अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक रहें क्योंकि आप उन्हें केवल उन्हें प्राप्त करने के लिए ट्राई कर सकते हैं यदि आप उन्हें पसंद करते हैं। यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे टॉपर्स जेई टॉपर्स का इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। फ्रेंड, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।